इटावा में भारत सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण करने में लगी है। भाजपा सरकार 2019 तक हर घर में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में जुटी है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में किसी भी तरह की अवैध वसूली ना हो पाए, इसके लिए कड़े निर्देश मोदी सरकार ने सभी जिले के अधिकारियों को दे दिए हैं, जिससे ग्राहकों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। लेकिन इटावा शहर के इकदिल कस्बे में स्थित इकदिल इंडियन गैस और एचपी ग्रामीण गैस एजेंसी पर मीडिया कर्मियों ने उज्ज्वला योजनाओं की जानकारी की तो किसी भी तरह की जानकारी देने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फ्री कनेक्शन वितरण करने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन गरीबों से 1800 रुपए और 2000 रुपए अवैध रूप से एचपी गैस एजेंसी इकदिल क्षेत्र में लगभग लाखों रुपए की गरीबों से लूट की जा चुकी है। प्रोपराइटर मनोज पांडे ने मीडिया कर्मियों को खबर न बनाने का दबाव बनाया। उपभोक्ताओं की माने तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर लोगों से 1800 से 2000 रुपए तक की वसूली की जा रही है, पूरी तरह से अवैध है। वहीं उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शनों पर लोगों से 6 से 12 महीनों के अंतराल में ही बीमा निरीक्षण के नाम से 180 रुपए से 200 रुपए तक भी वसूले गए, जो कि बिल्कुल अवैध है। वहीं अवैध एचपी ग्रामीण गैस पर लोगों से गैस की किताब होने के बाद भी गैस कार्ड जबरन बनवाए गए, जिसके शुल्क उपभोक्ता से 100 रुपए प्रति ग्राहक से वसूली की गई। जब एजेंसी के अंदर लगे बोर्ड को देखा गया तो ग्राहकों को अपने अधिकारों से वंचित रखने के लिए किसी भी बोर्ड पर न तो अधिकारी का नाम और न ही मोबाइल नंबर तथा रेट सूची लिस्ट भी गायब नजर आई, जबकि यह सुविधा ग्राहकों के लिए की जाती है ताकि असुविधा होने पर सीधे अधिकारियों से संपर्क किया जा सके। इसका मुख्य कारण यह भी दिखाई दिया कि कंपनी के निर्दोषों को भी इकदिल गैस एजेंसियां पलीता मारती नजर आई। यह दोनों गैस एजेंसियां जिसमें कंपनी के निर्देशों के बावजूद भी होम डिलीवरी की व्यवस्था को सिर्फ अपने बचाव के लिए ही सुचारू रूप से चला रहे हैं, न कि ग्राहक को सुविधा मिल पा रही है। जब लोगों से होम डिलीवरी की जानकारी ली गई तो लोग कई किलोमीटर की दूरी तय कर स्वयं गैस सिलेंडर लेने के लिए गोदाम में आते हैं और होम डिलीवरी चार्ज भी लोगों से लिया जाता है, जबकि कंपनी के अधिकारियों की माने तो गैस के गोदाम में गैस का वितरण बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां तो गैस के गोदाम और सिलेंडरों से भरे ट्रकों बीच मार्केट में खड़ा कर ग्राहकों को सप्लाई दी जा रही है। जब अधिकारियों के नाम और नंबर को जानना चाहा तो साफ मना कर दिया गया। अगर देखा जाए तो लगभग प्रति माह लाखों रुपए होम डिलीवरी चार्जेस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। कई तरीके से लोगों को गुमराह कर पैसा वसूलने का काम यहां किया जा रहा है। केंद्र सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन सत्ता की हनक में लोग गरीबों का हक तो छीन ही रहे हैं, लेकिन खुलेआम भाजपा सरकार की पोल खोलते भी नजर आ रहे हैं। एचपी गैस एजेंसी मालिक मनोज पांडे का कहना है कि हमारी सरकार सत्ता में है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखना ये होगा कि भाजपा सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारी ऐसी गैस एजेंसियों पर किस तरीके का सख्त रवैया अपनाते हैं। इस विशेष रिपोर्ट के लिए एचपी इकदिल रीता रोड आपको ये प्रधानमंत्री योजना के तहत जो जिला गैस कनेक्शन वितरण किए गए, क्या इसमें पैसे लिए गए थे आपसे? पैसे लिए गए थे। कितने रुपए? 2000। क्या कहा गया था आपसे? जब कहा गया था तुमको कनेक्शन नहीं मिले, रुपए जमा करना तभी मिलेगा। तो आपने 2000 रुपए जमा करने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिया? हाँ। और जिस तरीके से आए दिन जो आपसे कभी कितना चार्ज लिया जा रहा है, ये कार्ड के लगभग कार्ड जो बना के दिया गया है एचपी गैस का, इसका क्या चार्ज लिया गया आपसे? क्या नाम है आपका? सुमन जी, जो आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया, ये किस एजेंसी से दिया गया? क्या इसका आपसे कुछ पैसे भी लिए गए? कितने रुपए? 1800 रुपए जमा करे थे तभी दिया था कनेक्शन। और ये जो हाथ में आप कार्ड पकड़े हो, ये इसका भी कुछ चार्ज लिया गया? हाँ, इसका भी लिया गया। क्या रुपए लिए गए? 200 रुपए इसके लिए। क्या कहा गया? कनेक्शन नहीं कराओगी बीमा तुमको सिलेंडर नहीं मिलेगा। और बीमा के नाम पर जो आपसे पैसे लिए गए वो कितने रुपए लिए गए? 150 रुपए लिए गए। आपका धनदेवी जी, जिस तरीके से जो आपको ये एचपी गैस इकदिल की तरफ से जो ये आपको कार्ड इशू किया गया है, लगभग इसका कितना रुपए आपसे जमा कराया गया? 100 रुपए। मतलब अगर जैसे लोग इसको नहीं करवाते तो क्या जबरन इसको करवाने के लिए कहते हैं? जबरन ही मतलब कही थे कि कार्ड बनवा लियो तो तुम्हें मान लो सिलेंडर मिल रहे, और अगर नहीं तुमने करवाया तो तुम्हारा सिलेंडर बंद हो जाए, और मतलब पैसा नहीं लिखा रही है हिसाब से पैसा तुम आओ लिखा रहे। जो आपका गैस कनेक्शन है वो प्रधानमंत्री योजना के तहत तो जिला गैस कनेक्शन है। हाँ। तो जाएगा हमें यही नहीं करवाना। यहाँ बर्तना चौराहे पर गैस के भरे डंपर ने मारी टक्कर, जिससे गायों की हुई मौके पर ही मौत, जिससे प्रशासन की अभी तक लापरवाही है, ना ही अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। नगर पालिका परिषद को भी सूचना दी गई, जिससे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
रिपोर्ट चंचल दुबे इटावा। इटावा से चंचल दुबे। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।